नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के जितने सीनियर सिटीजन हैं, माता पिता हूं और जूनियर भी, सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं देश के सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर जी जो बात बताएं उसका प्रूफ भी दिया करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ लगा करके दूंगा, आप बिल्कुल उस प्रूफ को देख करके, और अगर आपका काम नहीं हो रहा तो जा करके आप बोलेंगे तो सीधे सीधे ऐसे ही काम करिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आते हैं कि सर जी न्यूज़ में तो बहुत चीज़ें आती ही रहती हैं, पर वो चीज़ होते नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो बताता हूँ सिर्फ सच बताता हूँ, सच के सिवा और मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। मेरे वीडियो में जितना मैं बताऊं, आप उस चीज़ को जहां मैं कहूं आप जा करके बस उतना ही कार्य करिएगा, उतना ही फॉलो करिएगा, आगे पीछे की और कोई बात मत करिएगा। मैं इस वीडियो में प्रूफ लगा करके आप लोगों को दूंगा, आप सिर्फ उतना करेंगे आपका 100% काम होगा। क्योंकि जो नियम आया है, जो रूल आया है सीनियर सिटीजन के लिए, माता पिता के लिए, उसे कोई झुठला करके अपने आप को सच साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सच है वो सच है। हाँ, थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं हल्की फुल्की, पर इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मली चीज़ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, सही से गौर से सुन लीजिएगा, जितना आपको मालूम हो उतना आप दौड़ा दीजिएगा वीडियो को, जितना ना मालूम हो उतना देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा भी पढ़े लिखे, उनको लोगों को कुछ मालूम है पर पूरा डिटेल नहीं मालूम होगा। जिस उद्देश्य से मुझे तो क्या होता है कि ब्लॉग बात बोलते हैं कि पॉइंट की बात करें, तो मुझे तो थोड़ा डिटेल में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पूरे लोगों को लेकर चलता हूं कि भाई किसी को मैं देह मान चलता हूं, किसी को कुछ नहीं मालूम है, इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी होने का रीज़न यही होता है कि मैं तो सबके लिए भाई बनाऊँगा, एक इंसान के लिए तो वीडियो बन नहीं रही है। तो आपके ज़रूरत की जितनी चीज़ें हों सिर्फ उतना ही ज्ञान लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर एक सिस्टम दिया गया है, थोड़ा वीडियो को दौड़ा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों को तक पहुँचाऊँगा। और अगर आप कमेंट करते हैं आपका काम नहीं हो रहा, कहीं कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो आप उनसे संपर्क करिए, अपने वकील से बात कराइए, मैं उनसे प्रे भी करूँगा कि आपसे फीस निहायत लिया जाए, आपका काम जितने कम से कम हो सके उतने में दें। क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास इतना भाइयों पैसा नहीं है कि मैं आपको खुल के मदद कर सकूं, पर अगर थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आएगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने टोला मोहल्ला आस पड़ोस में देखता हूं सीनियर सिटीजनों की जो काम माता पिता के हैं, उनके भरण पोषण को लेकर के, उनके खाने पीने को लेकर जो दिक्कतें होती हैं, मैं उस चीज़ को देखता रहता हूं। तो अगर आप थोड़ा भी सक्षम है तो ज़रूर मेरे चीज़ को फॉलो करके जाइएगा, आपका पूरा बुढ़ापा बहुत ही सुकून से कटेगा। तो चलिए, प्रूफ की बात थी, मैं ये प्रूफ भी लगा दे रहा हूं, आप इस प्रूफ को देख लीजिएगा, ये मैं इसी के थ्रू बता रहा हूं, बिल्कुल रियली है, जैसे बताऊँ आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, और इतना अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों क्या है कि एक कानून बनाया गया था 2007 में, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण एक्ट 2007 में आया है। इसको जो है एक 2007 में जब आया था तो 2000 को 7 में बनाया गया था, भरण पोषण को देख करके उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए 2019 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 में प्रस्तावित संशोधन किया गया है। तो मैं दोनों तरफ की आप लोगों को बात बताता हूं कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ क्या नहीं, तो आप लोग सही से समझ लेंगे। और इसमें लिखा भी है, ये बिल्कुल डिटेल के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये नहीं समझिएगा कि नहीं गलत जा रहा है। पहले क्या था कि 2007 में जो आया था, बच्चों में नाबालिगों को छोड़कर बच्चे नाती नातिन पोते पोती शामिल थे भरण पोषण देने के लिए, पर 2019 में इसमें और लोगों को ऐड कर दिया गया। क्या? सौतेले बच्चे, गोद लिए बच्चे, बहू, दामाद और नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियन शामिल हैं, इन लोगों से आप भरण पोषण ले सकते हैं, और ये कानूनी तौर है, ना ही दे रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कचहरी तक जाना पड़ेगा।
और उसके आगे भी पूरी बात सुनते जाइए, संबंधी से भी आप ले सकते हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं किन से, 2007 में था संबंधियों में स्थानांतरित वरिष्ठ नागरिकों को के कानूनी वारिस शामिल हैं जिनका उनकी संपत्ति पर कब्जा है या जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति मिलेगी, इसमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं किए गए थे। मतलब जैसे आपके सगे संबंधी हैं, आपकी मृत्यु के बाद अगर वो ये चीज़ को बोल सकते हैं कि इनकी जो संपत्ति है वो हमारी है, तो उनसे आप भरण पोषण ले सकते हैं अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। और 2019 में इसमें ना इस परिभाषा में नाबालिगों के को शामिल किया गया है, उनके प्रतिनिधित्व उनके लीगल गार्जियन द्वारा किया जाएगा। 2019 में नाबालिग को शामिल किया गया है, उनके जो प्रतिनिधित्व हैं उनके जो घर के गार्जियन हैं उनको शामिल कर लिया गया है। अब ये तो वरिष्ठ नागरिकता का था। माता पिता का भी सुन लीजिए, माता पिता में बायोलॉजिकल दत्तक और सौतेले माता पिता शामिल हैं, ये 2007 में था। 2009 में इसमें सास ससुर और दादा दादी नाना नानी को शामिल किया गया है, माता पिता तीन उनसे तक आप भरण पोषण ले सकते हैं। और ये कानून की बात है, लोग जो बोल रहे थे प्रूफ सहित, तो मैं प्रूफ सहित बता रहा हूँ। वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण 2007 में जो था, भरण पोषण में खाना कपड़ा आवास मेडिकल सहायता और इलाज शामिल किए गए थे। वहीं पे 2019 में जो संशोधन किया गया बिल में वो चीज़ है, इस परिभाषा में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अब 2007 में कल्याण के लिए, मतलब जो सीनियर सिटीजन के कल्याण को देखते हुए क्या किया गया है, कल्याण में खाना स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी जरूरी सुविधाएं शामिल की गई, या कि किसी प्रकार की सुविधा होती है चप्पल के जूते की कपड़े की लत्ते की हर एक प्रकार की, उसको भी मतलब कि शामिल किया गया है। और 2019 में इसमें और क्या किया गया है, इस परिभाषा को व्यापक बनाता है और इसमें आवास कपड़ा और सुरक्षा तथा वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाओं के प्रावधान को शामिल करता है। 2019 में ये चालू हुआ, तो आप 2019 वाला को लेकर चलिएगा, क्योंकि जो नया कानून है 2019 में जो जीतने हैं वो वही आपके काम में आएंगे। 2007 में क्या था वो तो मैं बता रहा हूँ, 2019 में जो आया है वही चलिएगा। अब चलते हैं भरण पोषण की राशि क्या है, जैसे आप भरण पोषण किसी से लेना चाहते हैं तो उसकी राशि क्या है, कितने दिन में देना होगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जान लीजिए। राज्यों 2007 में क्या था कि राज्यों द्वारा भरण पोषण ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, जो कि यह तय करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों और संबंधियों द्वारा हर महीने भरण पोषण की कितनी राशि चुकाई जाएगी। यह राशि हर महीने 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। बच्चों और संबंधियों को ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिनों के भीतर भरण पोषण की राशि चुकानी होगी, 10,000 से ऊपर नहीं हो सकती है और 30 दिन के अंदर भरण पोषण चुकानी होगी। मतलब कि इसमें 2007 में आपके लड़के कितने कमा रहे हैं, उनकी आय क्या है, आय के हिसाब से 10,000 तक दिया जा सकता है, 5,000 भी दिया सकता है, 3,000 भी दिया जा सकता है, 2,000 भी दिया जा सकता है, 7,000 तक दिया जा सकता है, पर 10,000 से ऊपर नहीं रहेगी। 2019 में बिल भरण पोषण की अधिकतम सीमा को हटाता है। ट्रिब्यूनल को भरण पोषण की राशि निर्धारित करते समय निम्नलिखित पर विचार करना होगा, पहला माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की जीवन स्तर और आय, दूसरा बच्चों की आय, दिनों की संख्या को कम करके 15 दिन करता है, मतलब कि 15 दिन में भी आपको भरण पोषण दिया जा सकता है, और उसमें माता पिता की आय क्या है उसको देखेंगे कि आपकी आय है कि नहीं, खाने पीने की अगर आपकी आय है तो आप क्यों मांग रहे हैं भाई, सही बात है। और उसके बाद बच्चे की भी आय देखी जाएगी कि आपके बच्चे की आय कितनी है, कितना आपको दे सकते हैं, नहीं कि 10,000 बांध दे 7,000 बांध दे, वो बेचारे के पास वैसे नहीं तो कहाँ से देगा। अब चलिए 2007 में भरण पोषण अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारियों के विषय में जो एक्ट आया है उसको भी आप जान लीजिए। 2007 में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के दौरान भरण पोषण अधिकारी अधिकारी द्वारा माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। और 2019 में जिसमें संशोधन किया गया, भरण पोषण अधिकारी नंबर एक भरण पोषण राशि चुकाने के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, नंबर दो माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपर्क के लिए लियेजन संपर्क अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा,
अपील में मान लीजिए, अब अपील में सुन लीजिए कि आप अपील क्या कर सकते हैं। उसके लिए 2007 में क्या नियम था, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये 2007 में तक, अगर आपके खिलाफ कोई आ गया तो उसके लिए आप ट्रिब्यूनल में जाकर अपील भी कर सकते हैं। 2019 में बच्चे और संबंधी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बच्चे भी, जैसे कि आप उनके जबरदस्ती कोई 10,000 बांध दें, उनकी आय नहीं किसी प्रकार का, तो उसके लिए भी अपील कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गया है इसमें भाइयों की सजा, अपराध और सजा, इसमें सजा भी मिल सकती है अगर आप वो चीज नहीं करेंगे। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता का परित्याग, उन्हें छोड़ देना, मतलब अपने माता पिता को छोड़ देना या वरिष्ठ नागरिक का परित्याग कर देना, उस पर सजा का भी प्रावधान है। 3 महीने की सजा या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। ये 2007 में था। 2019 में जो इसमें संशोधन किया गया, 3 से 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों होगा। अब वरिष्ठ नागरिक का उत्पीड़न, अगर वरिष्ठ नागरिक का कोई उत्पीड़न करता है तो उस पर क्या उनका अधिकार है, वो भी आप सुन लीजिए। कोई प्रावधान नहीं है था 2007 में, कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। पर 2019 में अगर वरिष्ठ नागरिक का कोई उत्पीड़न करता है तो 3 से 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगेगा। ये आपके अधिकार हैं, इनको जान लीजिए, ये एक्ट बने हुए हैं। अगर आपके साथ कोई दिक्कत कर रहा है तो आप जाइए, आपका पूरा पूरा ऐसा सुनवाई होगा। वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण के विषय में भी जान लीजिए। 2007 में राज्य सरकार को हर जिले में कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाना होगा जिसमें 150 वरिष्ठ नागरिक को रखने की क्षमता हो। इसी चीज को 2019 में किया, क्या संशोधन किया गया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर होम सरकार या निजी संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इन होम्स को राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में रजिस्टर होना चाहिए। केंद्र सरकार इन होम्स के लिए न्यूनतम मानदंडों को निर्धारित करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सुविधाएं, ये सब दी जाएंगी। अब चलिए चलते हैं 2007 में होम केयर सेवाएं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 2019 में इसमें होम केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थानों की शर्तों को निम्नलिखित शामिल किया गया। पहला, कर्मचारियों को प्रशिक्षित और सर्टिफाइड होना चाहिए, जो कर्मचारी हैं प्रशिक्षित, नहीं कि बिना पढ़े लिखे लोग हों, प्रशिक्षित होना चाहिए। और दूसरा, संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में रजिस्टर होना चाहिए, मतलब कि इसमें आपको किसी प्रकार का फर्जी काम ना हो, इसलिए इस चीज़ को दिया गया है। अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी सुन लीजिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान था वो भी आप जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्या था कि 2007 में सुविधाओं का प्रावधान करता है, 2007 में क्या था, सुविधाओं का प्रावधान करता है, जैसे सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार में बेड्स लगे होने चाहिए। इसी को 2019 में संशोधन किया गया, जिन निजी सहित सभी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब निजी अस्पतालों, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां भी, भला आप ये मान के चलिए। इसीलिए मैं कानून पूरी बातें आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको पूरा अधिकार मालूम हो जाए। अब चलते हैं पुलिस विभाग के लिए। 2007 में कहा पुलिस संरक्षण, सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए पुलिस का क्या संरक्षण का क्या आपको अधिकार है, सरकार ने जो दिए हैं, लास्ट पॉइंट है और आप लोग इसे भी सुन लीजिए। 2007 में कोई प्रावधान नहीं था, पर 2019 में इसमें प्रावधान लाया गया। हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक अधिकारी होना चाहिए, उसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उसमें से ऊंचे रैंक का होना अधिकारी होना चाहिए, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित मुद्दे का निपटारा करेगा। राज्य सरकार को हर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस यूनिट बनानी होगी। इस यूनिट का प्रमुख पुलिस अधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे ऊंचे रैंक का अधिकारी होना चाहिए। तो ये आपको एक प्रूफ सहित मैं अभी तक आप लोगों को बताया हूँ। आप लोगों को ये वीडियो में जितने अधिकार दिए गए हैं वरिष्ठ नागरिक और माता पिता के लिए, वो पूरे अधिकार मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये पूरा अधिकार आपको जानने के बाद आपको अपने अधिकार मालूम हो जाएंगे। हमेशा ये वीडियो आप सेव करके रखिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके यार दोस्तों तक ये पहुंच जाएगी। जिससे आपको कोई काम पड़ रहा है, इसे आप तत्काल देख करके और जाकर प्रावधान को आप फायदा ले सकते हैं।
क्योंकि ये एक्ट के विषय में बात किया हूँ, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं किया। इससे आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा और इसे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा अपना उत्साह बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो आप लोगों से बात करने की और आप लोगों के लिए क्या मांगना चाहते हैं जो कमेंट में आता है उस सोल्यूशन के विषय में फिर से वीडियो बनाने की एक भारी इच्छा जागृत होती है। क्योंकि जितने सीनियर सिटीजन हैं मैं चाहता हूं कि उनका जो वृद्धावस्था है बहुत अच्छे से गुजरे, क्योंकि आज के टाइम में किसी को भलाई करने का समय नहीं। जितना थोड़ा बहुत आप एक दूसरे से ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से अगर भलाई कर सकें उतना ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।